बैक टू माई चैनल होम एंड मोर। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल DIY, बहुत ही अच्छा DIY, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आप मिनटों में इसको बनाएंगे और हमेशा याद रखेंगे कि हाँ ये कुछ काम की चीज़ आपको मिली थी। तो जैसे आप कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप हमेशा अपने साथ मोबाइल ज़रूर रखते हैं, बट आप कभी ध्यान नहीं देते मोबाइल कैसा दिख रहा है। हमेशा सेम ही कवर रखते हैं या कभी चेंज कर लिया, कुछ महीनों बाद कभी चेंज कर लिया, वो भी बहुत कम लोग हैं जो रैपिडली मोबाइल कवर चेंज करते हैं। तो आज हम जो बनाने वाले हैं वो मोबाइल कवर ही बनाने वाले हैं और बहुत सिंपल वे में, मिनटों में बन जाएंगे और आप कितने भी अलग अलग तरीके के बना के अपने पास रख सकते हैं। आप लेडीज़ तो अपनी मैचिंग के अपने पास रख सकती हैं, जैसे आप ड्रेसेस पहन रहे हैं वैसे ही मोबाइल कवर भी रख सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। पहले मैं आपको बता दूं कि कवर को बनाने के लिए सिर्फ आपको ये ट्रांसपेरेंट कवर चाहिए और आगे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब आपके घर में मिलेंगी और उसको कितना सुंदर बना पाएंगे वो आपके हाथ में है। और कुछ आइडियाज़ मैं आपको दूंगी, आई थिंक 4-5 to 6 मोबाइल कवर में डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके अभी बना के दिखाऊँगी आपको। जैसे कि आप ये देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है और मैंने 2 मिनट में इसको बना लिया। और बना ये क्या है, ये सिर्फ एक बर्थडे पेपर है, पैकिंग पेपर। तो करना क्या है वो आप आगे वीडियो में देखिए और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे चैनल को। आगे मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। प्लस ये आपको देखना है फ्लिप कवर कैसे बनता है मोबाइल का घर पे ही, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये Part 1 है मोबाइल कवर का, सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। तो गाइस पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई स्टाइल आपसे छूट जाएगा, कोई ना कोई तरीका जो मैं सिंपल बताऊँगी मोबाइल कवर का वो आपसे छूट जाएगा। तो सभी डिफरेंट है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले मुझे एक ट्रांसपेरेंट कवर चाहिए अपने मोबाइल का। जो फर्स्ट स्टाइल है उसके लिए मैं यूज़ करूँगी गिफ्ट रैपिंग पेपर। बहुत ही सिंपल आइडिया है ये, तो आपके घर में ईजीली ये चीज़ अवेलेबल रहती है। कहीं ना कहीं से गिफ्ट आएगा या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पेपर उसका बचता है उसको फेंकिए मत, उसको यूज़ कीजिए मोबाइल कवर बनाने के लिए। तो सिंपल मैं अपने मोबाइल कवर को रखूँगी और उससे एक स्टेंसिल तैयार कर लूँगी। जहाँ भी उसका कैमरा एरिया है उसको अच्छे प्रॉपरली कट कीजिए, क्योंकि वो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इनकेस आपने ठीक से कट नहीं किया, बाद में पिक्स अच्छी नहीं आएंगी आपके मोबाइल से। तो मैंने प्रॉपरली इनको कट कर लिया है और मैं इसको अपने मोबाइल के अंदर रखूँगी और ये बिल्कुल स्पेस नहीं लेता है, फटाफट ऐसे रेडी हो गया। 2 मिनट लगे मेरे को कट करके और इसको मोबाइल कवर बनाने में। तो बोरिंग सिंपल ट्रांसपेरेंट कवर से बेटर है, आप इसको यूज़ कीजिए। और जो मोबाइल कवर आपको 100 से 500 के बीच में मिलते हैं ये सभी मोबाइल कवर आप इजीली बना पाएंगे घर पे ही। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ सबसे पहले कट कर लिए हैं कुछ स्टेंसिल्स मोबाइल कवर से यूज़ करके, A4 शीट या ड्राइंग पेपर आप कुछ भी ले सकते हैं उनसे। तो काफ़ी सारे मोबाइल स्टेंसिल्स मैंने यहाँ पे कट कर लिए जो कि मैं आगे अपनी वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ। जो सेकंड वे है उसके लिए मुझे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स चाहिए और कुछ स्टिक्स चाहिए, या आप अपने घर में कैसे भी स्टिक्स हो, रूम की स्टिक्स हो, ये मेरे पास कुछ फेदर्स थे उनकी स्टिक्स हैं ये, और कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने A4 शीट वाले पेपर को ग्रीन बेस दिया है और उसके ऊपर ये फटाफट मैंने फेविकॉल से फ्लावर स्टिक कर लिए हैं। ऐसे बनाना चाहे ऐसे बना लीजिए, नहीं तो आप एक सिंपल सेम कट कीजिए मोबाइल कवर का और उसको बेस कलर कीजिए अपने मनपसंद बेस कलर के। करने के बाद उस पर आप डिफरेंट आर्टिफिशियल फ्लावर्स कर सकते हैं, आप बहुत सारे कलर के यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिंगल एक कलर का भी फ्लावर का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उस पर आप स्टोन्स लगाइए या फिर कोई भी लेस वगैरह कुछ भी ऐड कीजिए और बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है उससे भी। और ये मैंने थोड़ा बुके स्टाइल में बनाया है इसको, तो इसका भी बहुत प्यारा लुक आएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और सबसे बड़ी बात जो है ये आपको 3D लुक देगा, बहुत ही एक्सपेंसिव मोबाइल लुक कवर की लुक देगा ये, और आपको कुछ भी टाइम नहीं लगा और बहुत ही प्यारा मोबाइल कवर बन के रेडी है।
तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अब जो थर्ड हम मोबाइल कवर बनाने वाले हैं वो है डेकोरेटिव टेप से बनाएंगे। ये आपको कहीं भी नियर बाय शॉप्स में मिल जाएगी, स्टेशनरी में मिल जाएगी। और इन प्रॉपर अपना स्टेंसिल को मैंने बेस कलर किया है, वन बाय वन मैंने अपनी टेप्स को स्टिक कर दिया। 2 मिनट लगते हैं इसको करने में। और इसको आप किसी भी पैटर्न में क्रिएट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर स्लांटिंग लाइंस भी इनकी क्रिएट कर सकते हैं। और मिनटों में ये तैयार हो जाएगा, बहुत ही प्यारा लुक देता है ये वाला मोबाइल कवर भी। और मैंने काफ़ी सारे पैटर्न्स क्रिएट किए करे हैं, आप आगे देखेंगे वीडियो में। देखिए कितना प्यारा मोबाइल कवर बन के तैयार हुआ है, 2 मिनट लगे हैं मुझे इसको बनाने में। जो हमारा है वो मोबाइल कवर बनेगा मार्कर से। तो मैंने कुछ नियॉन कलर के मार्कर्स ले लिए हैं, आप इसकी जगह स्केच पेन भी ले सकते हैं। एक जेल पेन लिया है मैंने और स्केल से मैंने स्टेंसिल के ऊपर ऐसे पैटर्न क्रिएट कर लिया है, लाइंस क्रिएट कर लिए। इसको फटाफट मैं फिल कर लूँगी डिफरेंट कलर यूज़ करके। मैंने नियॉन कलर्स इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को आई कैची लगते हैं। आपके हाथ में मोबाइल होगा तो दूसरों की नज़र ज़रूर पड़ेगी आपके मोबाइल कवर पर, और आप शौक से कह सकते हैं कि हाँ ये मोबाइल कवर मैंने बनाया है। कोई पूछेगा आपने कहाँ से लिया है कि नहीं मैंने खुद ही बनाया है, तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत प्यारे प्यारे आप इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हाँ मैं इसको थोड़ी डिटेलिंग दूंगी, जेल पेन यूज करूंगी, छोटा छोटा सा मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के आएगा, और डिटेलिंग देना आपके ऊपर है, देना चाहे दीजिए, नहीं तो आप इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं। जस्ट जैसे पहले हमने कलर किया था और उसको ब्लैक पेन से उसको फिनिश दिया था, उतना भी कर सकते हैं। मैंने ये प्रॉपर तरीके से बनाया है, आप देखिए बहुत प्यारा लुक आ रहा है इसका। मोबाइल कवर क्रिएट करते हैं, वो हम फैब्रिक को यूज़ करके बनाएंगे। इसके मैंने ऐसे सिंपल स्टेंसिल कट कर लिए जैसे हमने ए4 शीट से पेपर पे कट किए थे। आप चाहें तो ऐसे ही सिंपल इसके अंदर रखिए और मोबाइल कवर बन जाएगा, 2 मिनट लगते हैं। चाहें तो इसको थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं, मैं आपको इस वाले को थोड़ा डेकोरेट करके दिखाती हूँ। सो इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा फैब्रिक कलर चाहिए और उसकी जगह आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ डेकोरेटिव आइटम जैसे कि मैंने ये छोटे छोटे मोती आते हैं, आपको कहीं भी स्टेशनरी से मिल जाएंगे, स्टिक करने वाले होते हैं, या कोई भी आप घर पे भी आपके पास कुछ अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसकी लाइंस को यूज़ करके इसमें पेंट कर लूँगी। वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इसको वाटर में तो कहीं भी पानी में ऐसी जगह यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको ईजीली वो भी चल जाएगा। फैब्रिक पेंट थोड़ा शाइन देगा, वो बहुत ही अच्छा लुक देगा, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और फैब्रिक के साथ आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी ड्रेस है आपके पास, उसको आप टेलर को देने जा रहे हैं, छोटा सा उससे कपड़ा कट करवा लीजिए और अपने मोबाइल के लिए उसको यूज़ कीजिए। बिल्कुल मोबाइल आपका ड्रेस का मैचिंग हो जाएगा, इतना प्यारा लुक आएगा उसके लिए भी। और अगर हैवी ड्रेस है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसका छोटा सा कट कीजिए और उसको सिंपल मोबाइल कवर को इस पे पेस्ट भी कर सकते हैं कवर के ऊपर, या फिर आप उसके अंदर रख के भी यूज़ कर सकते हैं। आगे मैंने काफ़ी सारे इसमें डिज़ाइंस डाले हैं जो कि मैंने फैब्रिक को कट करके मोबाइल कवर के ऊपर पेस्ट किया है, या फिर आप उसको अंदर भी रख सकते हैं एज इट इज़, और वो सेफ़ रहेगी। उसकी एम्ब्रॉयडरी भी मैंने काफ़ी हैवी हैवी एम्ब्रॉयडरी कवर बनाए हैं, उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मैं के बनारसी जो भी आपके पास कपड़ा होता है उसको कट कीजिए और उसको भी मोबाइल कवर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले मोबाइल कवर बना सकते हैं। इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ, आप किसी भी तरीके से बनाएंगे आपको बहुत ही प्यारे लुक देंगे ये। इतने कॉस्टली मोबाइल कवर लगेंगे, आप कोई विश्वास नहीं करेगा ये आपने बनाया घर पर। सो
करेंगे मोबाइल कवर वो बनाएंगे बैक से, उसके लिए एक कपड़ा चाहिए हमको कॉटन का, एक पेपर का स्टेंसिल और दो पॉलीथीन की कटिंग जो कि मोबाइल कवर से थोड़ी बड़ी है, और कुछ स्क्रैचेस लेंगे हम क्रेयॉन्स के, अपने मनपसंद क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, तो उसके स्क्रैचेस कर लीजिए नाइफ से कर लीजिए या फिर पेपर कटर से कर लीजिए, और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा हाथ कट सकता है। अब मैं इसको एक कपड़ा बिछाऊंगी उसके ऊपर रखूंगी मैं पॉलीथीन का कवर जो मैंने कट किया था और उसके ऊपर रखूंगी स्टेंसिल, और अब इसके ऊपर सारा क्रेयॉन स्प्रेड कर लूंगी प्रॉपरली, एक ब्रश से स्प्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो आपकी स्किन पे स्टिक होगा अगर आप हाथ से करेंगे तो। सो कलर्स स्प्रेड करने के बाद मैं इसके ऊपर दूसरा पॉलीथीन का कवर रखूंगी और इसके ऊपर कपड़ा रख दूंगी वापस से, पूरा फोल्ड कर लूँगी, और कॉटन का कपड़ा इसलिए लिया है क्योंकि हम जो प्रेस करने वाले हैं वो कॉटन के टेम्परेचर पे ही रखेंगे, तो कॉटन का टेम्परेचर सेट किया हुआ है हमने, और थोड़ा ध्यान से कीजिएगा ये बहुत गर्म हो सकता है कपड़ा एकदम, आप इसको यूज़ मत कीजिए, दो मिनट ठंडा होने दीजिए। और अब मैं इसकी पॉलीथीन हटा दूंगी और ये इजीली रिमूवेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पॉलीथीन हटाने में, तो ये रेडी है, बहुत ही प्यारा लुक आया है। सेवेंथ और लास्ट जो आइडिया है वो नेल पेंट से बनाएंगे मोबाइल कवर, तो उसके लिए आप स्टेंसिल पेपर के स्टेंसिल पे डिफरेंट ब्राइट कलर अपने जो नेल पेंट आपके पास अवेलेबल है तो उनको यूज करके बना लीजिए, या फिर डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट जो आपका मोबाइल कवर है उस पर भी आप रैंडमली अपने नेल पेंट डाल सकते हैं, या फिर डॉटेड डॉटेड करके आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा पैटर्न निकल के आएगा उससे भी। तो ये सभी मैंने आपके लिए क्रिएट किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए। सो फ्रेंड्स, मैं वन बाय वन आपको सभी मोबाइल कवर के लुक दूंगी जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किए हैं। So friends, if you like my video, please hit the like button, subscribe my channel for more amazing ideas. Thanks for watching my video. Bye bye.